दोस्तों आज के स्टूडियो में आप जान सकते हैं कि आप अपने मोबाइल की जो गैलरी है उसके अंदर का कोई भी सॉन्ग लेकर आप इंस्टाग्राम रील्स के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर आप उस पर वीडियो कैसे बना सकते हैं। चाहे आपका खुद का कोई भी सॉन्ग हो, चाहे कोई भी डायलॉग हो, या चाहे कोई भी ऐसा सॉन्ग जो कि आपको इंस्टाग्राम रील्स के अंदर नहीं मिल रहा है, आप अपने मोबाइल की जो गैलरी है उसके अंदर से लेकर आप उसको इंस्टाग्राम रील्स के अंदर ऐड करके फिर वीडियो बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, आप इस वीडियो के अंदर जान सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी आप इस वीडियो को मिस नहीं कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको इस प्रकार से ओपन करना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप रील्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप जब भी सॉन्ग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सेव ऑडियो के नाम से एक ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप उस ऑडियो को सेव करके यहाँ पे जब भी वीडियो बनाना चाहते तो बना सकते हैं, या फिर यूज ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ पे उस पर वीडियो बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपना जो मनपसंद सॉन्ग है वो ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है काइनमास्टर। तो काइनमास्टर की जो ऐप है उसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है, यदि आपने इसको डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जैसे ही करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि काइनमास्टर की जो ऐप है इसको इस प्रकार से ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप काइनमास्टर की जगह कोई और भी ऐप ले सकते हैं, बस आपको ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए इस ऐप को यूज करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको इमेज पे क्लिक करके कोई भी एक प्लेन बैकग्राउंड ले लेना है और आपको फिर इस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑडियो के नाम से जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, तो आपको इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपका जो भी सॉन्ग है, जो भी डायलॉग है, या फिर जिस भी आप सॉन्ग को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं इस सॉन्ग पे क्लिक करके यहाँ पे उस सॉन्ग को ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो वीडियो है उसको भी आपको इस प्रकार से बढ़ाना है, मतलब ये जो प्लेन बैकग्राउंड है इसको भी बढ़ाना है। उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो ये एरो दिया हुआ है आपको इस पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका जो ऑडियो है वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों बस आपको कुछ समय वेट करना है। जब आपका ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद आपको अपना इंस्टाग्राम ऐप को इस प्रकार से ओपन करना है और उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे आपका जो अकाउंट है उसकी प्राइवेसी के अंदर जाके यहाँ पे आपको अपना जो अकाउंट है उसको यदि आपने प्राइवेट किया तो यहाँ पे आपको पब्लिक करना है। उसके बाद उसको यहाँ पे आपको रील्स को इस प्रकार से ओपन करना है और रील्स को ओपन करने वास्तु यहाँ पे आपने जिस भी वीडियो को यहाँ पे आपने ऑडियो को आपने वीडियो के साथ कन्वर्ट किया था उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने वाले उसको यहाँ पे आपको उस वीडियो को यहाँ पे पोस्ट करना है। तो चलिए हम इसको पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे नीचे आपको रीनेम ऑडियो का जो ऑप्शन मिलता है तो आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना ऑडियो का जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं भी इस ऑडियो का कोई भी नाम दे देता हूँ और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे ऊपर जो राइट का जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें इस पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों हमें इस वीडियो को यहाँ पे शेयर करना है। तो चलिए हम इसको शेयर कर लेते हैं। जब आपका वीडियो शेयर हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो को इस प्रकार से रील्स के अंदर जाके या फिर आपने जो भी वीडियो पोस्ट किया है उसको यदि आप ओपन करना चाहते तो डायरेक्ट आप पोस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे इस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। और ओपन करेंगे दोस्तों आपको नॉर्मली इस पर क्लिक करना है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें जो सॉन्ग का जो ऑप्शन है वो नीचे मिल जाता है, हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस ऑडियो को सेव करना चाहते सेव कर सकते हैं, साथ में यूज करना चाहते तो यूज भी कर सकते हैं। और अब हम इस पर वीडियो बनाना चाहते तो हम यहाँ पे बड़े आराम से यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने जो अपना ऑडियो था उसको वीडियो में कन्वर्ट करके उसको रील्स के अंदर पोस्ट किया और उसके बाद पोस्ट करने के बाद उसका रीनेम दिया और रीनेम करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें वो ऑडियो मिल जाता है। फिर हम अपना जो इंस्टाग्राम रील्स है इसके अंदर जाके कोई भी इफेक्ट लेकर उस ऑडियो पर वीडियो बना सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।